नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। सरकार बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए व्यापक उपाय कर रही है। इटली के तटीय इलाकों में 2 जहाजों के दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 11 प्रवासियों की मौत और कई लापता। मौसम विभाग का आज से उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी से राहत मिलने का अनुमान। और भाला फेंक विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा आज फिनलैंड में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि की प्रमुख भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। श्री मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। इसके तहत लगभग 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी दिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका, उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों को उनके उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के साथ साथ कृषि लागत कम करने में मदद करना है। किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, एक उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना, फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है और ये फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाराणसी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। एक रिपोर्ट। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का ये पहला दौरा था और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार उन्हें चुनने के लिए काशी के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें लगता है कि वो यहीं के हैं। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मेलन में कुछ किसानों के साथ मुलाकात की और उनके उत्पादों को भी देखा। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखी और बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन किए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में कृषि विज्ञान केंद्र से किसान सम्मान निधि समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देशभर के किसान विभिन्न कृषि योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य उनकी आजीविका को और बढ़ाना है।
प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार दौरे पर जाएंगे। वे नालंदा जिले के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। डाकघर अधिनियम 2023 आज से प्रभावी हो गया है। इसने भारतीय डाक अधिनियम 1898 का स्थान लिया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्दिष्ट आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली किसी भी वस्तु को सरकार गंतव्य तक पहुंचने के पहले बीच में ही रोक सकती है। ऐसा किसी भी आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा या शांति को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनके आवास पर बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, किरेन रिजिजू, डॉ एस जयशंकर और चिराग पासवान उपस्थित थे। ये बैठक 24 जून को शुरू होने वाले संसद सत्र को ध्यान में रखते हुए की गई। संसद सत्र में नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में महाराष्ट्र भाजपा कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और बीएल संतोष सहित अन्य लोग शामिल हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में पेपर लीक और कदाचार का आरोप वाली याचिकाओं पर आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। एक रिपोर्ट। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा कि परीक्षा के मामले में छोटी सी लापरवाही से भी निपटने की जरूरत है। न्यायालय ने यह भी कहा कि नीट देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक है और इसके लिए परीक्षार्थी जो कड़ी मेहनत करते हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश विक्रमनाथ और SVN भट्टी की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि परीक्षा से संबंधित मुकदमे को लेकर गलत धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए बल्कि गलतियों को सुधारा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि वह नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। विद्युत मंत्रालय गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार उत्तरी क्षेत्र में 89 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक मांग को कल पूरा किया गया। इसमें कहा गया है कि बिजली आवश्यकता का 25-30% पड़ोसी राज्यों से आयात करके संभव हुआ है। एक रिपोर्ट। विद्युत मंत्रालय ने इस गर्मी के मौसम में 250 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक मांग को पूरा करने के लिए कई उपाय किए हैं। इस अवधि के दौरान उत्पादन जारी रखने के लिए आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं। आंशिक और अधिक कटौती को कम करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी बिजली उत्पादक कंपनियों को पूरी क्षमता से उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अपने संयंत्रों को ठीक कर रखने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त कोयला आधारित थर्मल स्टेशन पर कोयले का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए कहा गया है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर। मौसम विभाग के अनुसार आज से उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। सीवियर हीट वेव रहने का उम्मीद का बिहार में, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, मगर अलर्ट का लेवल थोड़ा अलग रहेगा। हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट के बाद से येलो अलर्ट में चले जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ आ रही है, उसके चलते थोड़ा बादल होगा, बारिश का भी थोड़ा संभावना है। तो अगले 4 से 5 दिन तक टेम्परेचर थोड़ा लो रहेगा, जिसके चलते हमारे फोरकास्ट पीरियड
में अभी हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम होने का दिख रही है। बाढ़ प्रभावित सिक्किम में बचाव और राहत कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के मंगन जिले के लाचुंग और चुंगथांग में बाढ़ का सबसे अधिक असर पड़ा है। लाचुंग और मंगन जिले के उत्तरी क्षेत्रों में फंसे पर्यटकों को निकालने के दूसरे दिन में आज जिले के तुंग चेक पोस्ट के आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 1237 फंसे हुए पर्यटकों को निकाला गया। निकासी के पहले दिन सोमवार को चुंगथांग से 64 पर्यटकों को निकाला गया। मंगन जिला प्रशासन ने बॉर्डर रोस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और स्थानीय स्वयं सेवकों के साथ समन्वय में पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में अथक मदद कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गैंगटोक से इबोमचा शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इटली के तटीय इलाकों पर आज दो जहाजों के दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 11 प्रवासियों की मौत हो गई जबकि 66 अन्य लापता हैं। अधिकारियों ने कहा है कि इटली के तटीय इलाकों के पास भूमध्य सागर में तलाश और बचाव अभियान जारी है। 12 लोगों को बचा लिया गया है। जहाज पिछले सप्ताह तुर्की से इराक, सीरिया, ईरान और अफगानिस्तान के प्रवासियों को लेकर रवाना हुआ था। एक अन्य घटना में जर्मन सहायता समूह रेस्क शिप के एक बचाव जहाज ने 10 प्रवासियों के शव प्राप्त किए और 51 अन्य लोगों को बचाया। जीवित बचे लोग मुख्य रूप से बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र और सीरिया से थे। ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज फिनलैंड के तुर्कू में पावो नुर्मी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में हिस्सा लेंगे। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और डायमंड लीग फाइनल विजेता नीरज चोपड़ा को जर्मनी के मैक्स डेनहिंग से चुनौती मिलने की संभावना है। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में कल से सुपर 8 के मुकाबले खेले जाएंगे। कल पहले मैच में अमरीका का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत अपना पहला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ 20 जून को बारबाडोस में खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। ये कार्यक्रम इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा है कि सुझाव माई गोव ओपन फोरम, नमो ऐप या टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड संदेश के रूप में भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। सरकार बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए व्यापक उपाय कर रही है। इटली के तटीय इलाकों में दो जहाजों के दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 11 प्रवासियों की मौत और कई लापता। मौसम विभाग का आज से उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी से राहत मिलने का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।